देखिए भाइयों, लव बर्ड्स यूपी अलीगढ़ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारी कॉलोनी कितनी तैयार हो गई है। देखिए, आप सब देख सकते हैं कि हमने ये कॉलोनी जो बनाई है, ये बजरी तोते के लिए बनाई है। और इसमें से थोड़ी सी हम 2 फुट करीब ऐसे करके, तो ऐसे ज़्यादा हो जाएगी। तो जय श्री राम, हम लव बर्ड्स के लिए बना देंगे, बाद बाकी बजरी तोते और इसमें कॉकटर रहेंगे। और जो हम बीच में देंगे, तो वो बीच में हम उसकी देंगे, जो क्या कहते हैं, यहाँ पे जाली लगाकर बीच में, जो जिसमें फ्रिंज जाबा वगैरह रहेंगी। आप देख सकते हो कि इसकी लंबाई, वैसे तो हम साइज़ वगैरह भी नाप कर आपको बताएंगे कि कितना साइज़ है और क्या भाई कितनी की है, ऊंचाई कितनी है, ताकि आप लोग भी बना सकें। इसमें बजरी तोते बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, जो घमस है वो भी नहीं बनेगी, जो घुटन के कारण गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, तो हमने उसी कारण बनाई है। पहली कॉलोनी में थोड़ी मेरी हवा पानी हो पाती थी, तो मैंने अब क्या थोड़ा ये भी एक जंगला दे दिया है यहाँ पर। इस पर एक जाली लगा देंगे, जिससे कि इधर की हवा चलेगी तो इधर से आकर और इधर जहाँ सारे में जाली लगेगी। आप देख सकते हो ये जो यहाँ से लेके और नीचे तक ऐसे करके पूरे में और जाली लगेगी, तो उससे इधर से हवा चलेगी तो इधर को आएगी, तो इसमें घुम्मस बनेगी, इधर से आएगी तो इधर जाएगी, मतलब हवा रुकेगी नहीं, लगती हुई जाएगी, जिसके कारण इसमें जो जय श्री राम वो नहीं बनेगा। आप देख सकते हो जिस दिन पूरी कॉलोनी तैयार होगी, हम उसकी भी वीडियो एक आपको बना के डालेंगे। फिलहाल तो हम डाल रहे हैं, कुछ भाई पूछ रहे थे कि आपने कितनी कॉलोनी बना चुके हो, तो वो भी हमको दिखाओ। तो उन्हीं भाइयों के लिए मैं बना रहा हूँ कि देखिए, और जिस दिन कॉलोनी पूरी तैयार हो जाएगी, तो उस दिन हम आपको साइज़ भी बताएंगे, सारी चीज़ बताएंगे, वो मटकियाँ भी लगाएंगे, देखना एक मटकी के ऊपर भी बनाएंगे कि मटकी कितनी दूरी पे बनानी लगानी चाहिए और किस प्रकार से, ताकि आप एक दूसरे में जो फाइट ना हो सके। देखिए नीचे मेरे इसमें फर्श है, ताकि इसमें गंदगी ना हो, इसमें हर तीसरे चौथे दिन झाड़ू लगा दें तो सफाई दिखती रहेगी। पहली कॉलोनी में मेरी थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि बजरी तोते काफ़ी थे, उसमें कॉकटेल भी है, और जो आप जानते हो कॉकटेल थोड़ा बड़ा परिंदा है। और ये आप देख सकते हो जो मैंने चादर है, जो थान, ये मैंने मसाले के डाले हुए हैं, ये इसलिए डाले हुए हैं, कुछ भाई कह रहे थे कि इसमें प्लास्टिक वाले डाल दो वो सही रहते हैं या जी। तो देखिए मैंने ये थोड़ा इसलिए डाले हैं, क्या है कि इसमें जो हमारी गर्मियों में भी दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इतने गर्म नहीं होते हैं, जो वैसे थान होते हैं वो बहुत ज़्यादा जग जाते हैं और वो नीचे घमसा छोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो थान हैं, इन पर गर्मियों में भी हम सुविधा ले सकते हैं, जैसे टाट की बोरी जो होती है उसे आप भिजा कर और इसके ऊपर डाल दीजिए, जो थान ठंडे रहेंगे। तो जो भी आप महीना 1.5 महीने की बात आती है, 2 महीने की जो लू सी चलती हैं, उस वक्त जो थान की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे तो इसमें हवा लगती रहेगी, तो इन परिंदों को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मियों के कारण भी मर जाते हैं, और ठंड में तो ये खैर अक्सर ज़्यादा ही हो जाते हैं, लूज़ मोशन वगैरह हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आप देख सकते हो, खैर वीडियो मैं बना दूंगा उसके लिए ऊपर भी। वैसे इसमें जो जाल लगेगा यहाँ से कवर हो जा करेगी पूरी तरह से, चारों तरफ मेरे तीनों तरफ दीवार है, साइड में, इधर साइड में भी है, इधर साइड में भी है, सामने भी है, तो आगे आगे का हिस्सा रह जाएगा। जिसके लिए वैसे भी मैं एक जो पिन्नी आती है, आपने देखा होगा मोटी वाली, जो वाइट बिल्कुल जो आर पार दिखाई देता है, शीशे जैसी जो होती है, दुकानों पर लगा लेते हैं, तो वही वाली पिन्नी लेकर आऊँगा और उसे यहाँ पर सेट करूँगा आगे, जो जाल लगेगा जाल के ऊपर से, ताकि जैसे अब चौमासे से चल रहे हैं, बारिश पड़ रही है, तो उसे नीचे कर दो तो अंदर ना तो
पोछाड़ जाएगी और ना कुछ हो पाएगा, जैसे ठंडी वगैरह लगना, लूज मोशन होना, परिंदे बीमार हो जाते हैं, तो वो भी सुविधा करके रखूँगा। जाड़े आ जाएंगे तो उस नीचे हो जा करेगी, आप देख सकते हो। जाड़े में तो खैर और भी सुविधा की जाती है ताकि इन्हें लूज मोशन वगैरह ना हो, ठंड से बचाए जाते हैं काफ़ी, आप देख सकते हो। मेरी कॉलोनी इतनी तैयार हो चुकी है, बात बाकी की जब हम इसमें जाल वगैरह लगाएंगे और पूरा उसे कर देंगे तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, जब बनाते हुए में जाल लगाते हुए में वो भी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जाल लगाना चाहिए और मजबूती आएगी, आप देख सकते हो। जय श्री राम। मेरा यहीं तक है, और जो भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इनसे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।